आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल फैशन वेस्टर पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पी केयर, सी केयर, आर केयर और एच केयर कैप्सूल के बारे में। ये हकीम सुलेमान जी के प्रोडक्ट हैं और मैं इन प्रोडक्ट्स पर आज की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इन पर वीडियो बनाऊँ और इनके बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले आप प्लीज़ जो स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हुए हैं, आप प्लीज़ इन नंबर पर कॉल करके हकीम सुलेमान जी के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पी केयर कैप्सूल के बारे में। पी केयर कैप्सूल को काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पी केयर कैप्सूल जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में उसको यूज़ किया जाता है। ये हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसके अलावा ये ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम में इसे यूज़ किया जाता है, किडनी में अगर स्टोन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और सबसे ज़रूरी गॉल स्टोन की प्रॉब्लम में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा गट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है। इस प्रोडक्ट की कीमत है 1700 रुपये, मीन्स 1700, और इसमें आपको 45 कैप्सूल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अगर किसी को गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम है, किसी के गोल्ड ब्लैडर में स्टोन या फिर किसी की पित्ताशय में पथरी की प्रॉब्लम है, उसमें भी हम पी केयर कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम में आप पी केयर कैप्सूल को दिन में 3 बार ले सकते हो, सुबह, दोपहर और शाम को। और आप इसको आप या तो खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हो। वैसे इसे खाना खाने से पहले लेने के लिए कहा जाता है क्योंकि गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और इसके साथ ही जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ही तेज़ पेन होता है। इसीलिए अगर इसको खाना खाने से पहले लिया जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो इस प्रॉब्लम में आपने इसे 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसको गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हकीम सुलेमान जी के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें, उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर किसी की गोल्ड ब्लैडर में स्टोन बन गया है तो आप उस स्टोन को किसी भी तरह की होम्योपैथी मेडिसिन के साथ या किसी भी तरह की मेडिसिन के साथ अपने गोल ब्लैडर में से उस स्टोन को रिमूव नहीं कर सकते हो। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आपको सर्जरी के द्वारा गोल ब्लैडर को अपनी बॉडी में से रिमूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो गोल ब्लैडर की थैली है वो कभी भी फट सकती है या फिर फ्यूचर में ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स, बवासीर की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप पी केयर कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी आपने पी केयर कैप्सूल को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, शाम और दोपहर। और इसे आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हो या फिर खाना खाने के आप बाद में ले सकते हो। और आपने इसे 2 महीने तक यूज़ करना है और आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हो या फिर दूध के साथ ले सकते हो। बट इनको यूज़ करने से पहले आपने हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लेनी है। इसके अलावा अगर किसी की किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप पी केयर कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो। यूज़ आपको सेम उसी तरह से करना है, आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हो, सुबह, शाम और दोपहर। और आप इसको खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हो। आप इसे गर्म पानी के साथ ले सकते हो या फिर नारियल पानी के साथ ले सकते हो। और इससे होगा ये कि ये पथरी को बिल्कुल पाउडर की तरह बनाकर आपकी बॉडी में से उसको निकाल देगा। इसको आपने 3 महीने तक यूज़ करना है और बहुत सारा पानी पीना है। और जब आप इस कैप्सूल को यूज़ कर रहे हो तो आपने जो चीज़ें नहीं खानी है उनमें आपने एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है, मीट नहीं लेना है, फ़िश, सी फूड, पोल्ट्री या फिर जो एग वगैरह हैं वो आपने नहीं लेनी है। आपने प्लांट बेस्ड
प्रोटीन का ही इस्तेमाल करना है और नमक का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। बट फिर अगेन मैं आपसे वही कहना चाहूँगी कि आपने हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लेनी है इसको इस्तेमाल करने से पहले। इसके अलावा अगर किसी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है उसमें भी आप पी के कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो। यूज़ आपको सेम उसी तरह से करना है, दिन में 3 बार लेना है और आप इसको खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, और आप इसको पानी के साथ ले सकते हो, नारियल पानी के साथ ले सकते हो, या फिर आप इसको जूस के साथ ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी तरह की स्किन एलर्जी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पी केयर कैप्सूल को पेट के साथ जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर स्किन पर पिंपल्स या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप इस पी केयर कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट, आप पी केयर कैप्सूल को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हो। अपेंडिक्स एक ऐसी समस्या है जिसमें पेशेंट के अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है। अपेंडिक्स हमारी आंत के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब इसमें सूजन आती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसका सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो लोग बहुत जल्दी में ऑपरेशन करवा लेते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो आप 2-3 डॉक्टर्स की राय लो, उसके बाद ही आप ऑपरेशन करवाओ ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही तरह से हो। तो इसमें आप डॉक्टर की दवाइयों के साथ पी केयर कैप्सूल को भी ले सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपको फिर यही कहूँगी कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आप हकीम सुलेमान जी के हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद ही इस कैप्सूल को इस्तेमाल करें। हम बात करते हैं सी केयर कैप्सूल के बारे में। सी केयर कैप्सूल को आप PCOD, हार्मोन इम्बेलेंस और स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी इसको कुछ और प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इसका प्राइस 1700 रुपये है, मीन 1700, और इसमें आपको 45 कैप्सूल्स मिलेंगे। इसको आप गर्म पानी के साथ ले सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपको फिर वही कहूँगी कि आप हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना इसे ना लें। अभी हम बात करते हैं आर्केयर कैप्सूल के बारे में। हड्डियों के आपस में रगड़ने से उस जगह में अकड़न या दर्द हो जाता है और आजकल ये समस्या कम उम्र के लोगों में भी पाई जाती है। गलत तरीके से बैठना, गलत खान पान, जंक फूड ज़्यादा खाना, एक्सरसाइज ना करना इसके मेन रीज़न हैं। कम उम्र के लोगों में इस तरह की बढ़ रही प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप आर्केयर कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आर्केयर कैप्सूल को आप जॉइंट पेन के लिए, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड और जॉइंट स्वेलिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसे हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो 1700 रुपये है, मीन 1700 रुपीज़ है, और इसमें आपको 45 कैप्सूल्स मिलते हैं। अगेन मैं आपको फिर वही कहूँगी कि इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले आप प्लीज़ हकीम सुलेमान जी के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद ही इन्हें इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा अगर आप जंक फूड को कम कर देंगे और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अगर आप बढ़ा देते हो, मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल कम करके आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं एच केयर कैप्सूल के बारे में। जब बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जम जाती है तब ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट होने में रुकावट पैदा होती है, जो कि हार्ट प्रॉब्लम या और तरह की बीमारियों का कारण बन सकती है। तो इसके लिए आप एच केयर कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हो। एच केयर कैप्सूल को हाई बीपी और आर्टरी ब्लॉकेज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्राइस 1700, मीन 1700 रुपीज़ है, और इसमें आपको 45 कैप्सूल जो हैं वो मिलेंगे।
बट अगेन मैं आपसे फिर वही कहूँगी कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आप हेल्थ एक्सपर्ट का राय ज़रूर ले लें। साथ में आज की वीडियो का एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर मुझसे पूछ सकते हो।